हाय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं बहुत दिनों बाद एक वीडियो शूट कर रही हूँ और वो भी है ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर। जो मैंने शॉपिंग की है वो है firsttry.com से। और सच बताऊँ तो मेरा पहला एक्सपीरियंस जो मैंने अपने लिए शॉपिंग की थी वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। ये जो टॉप मैंने लिया है, और वैसे ये टॉप नहीं है, इसकी पिक्चर मैं यहाँ पे अटैच कर रही हूँ। ये प्रेग्नेंट लेडीज जो होती है उनके लिए बहुत कंफर्टेबल होता है। फीडिंग के लिए उनमें जिप भी दी हुई है, यहाँ पे जिप दी हुई है, ठीक है। जब बेबी छोटा होता है, उसे फीड कराना होता है, तो उसके लिए जिप, मतलब जो लेडीज होती है उनको अनकंफर्टेबल फील होता है कि इस तरीके से कपड़े को, मतलब कैसे वेयर करें कैसे नहीं वेयर करें। उसमें इस तरीके जो जिप वाले कपड़े होते हैं ना, वो बहुत ही कंफर्टेबल फील कराते हैं, और मतलब बुरा भी नहीं लगता है, देखने में भी स्टाइलिश लगता है। तो मैंने पहले ये टॉप लिया था और मैं इससे बहुत खुश हूँ, सच बताऊँ तो। और अब मैंने ये वाला लिया है, ठीक है, नहीं दिखाना है। सो अब मैं इसे ओपन करती हूँ और आपको दिखाती हूँ और खुद भी देखती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे घर में रेनोवेशन का काम चल रहा था। और जब रेनोवेशन का काम कहीं भी घर में चलता है ना, तो जो भी आपका काम काज होता है ना, वो ठप हो जाता है, ठीक है। घर का काम में मन नहीं लगता है, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो वीडियो तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि न्यू पेंट कराया है, तो इससे सामान को इधर फेंकना है, उस सामान को उधर फेंकना है, तो मतलब कहीं तुम्हें जगह नहीं मिलेगी घर में सॉरी वीडियो बनाने की। तो ऐसे हालात मेरे हो चुके थे। तो अब थोड़ा कमरे में पेंट हुआ है, तो मैं इधर आके बैठ के वीडियो बना पा रही हूँ। नहीं तो 2 महीने से मेरी एक भी वीडियो अपलोड नहीं हुई थी। 2 महीने के बीच में मैं कहीं घूमने भी गई थी, वहां का भी ब्लॉग है, पर मैं अभी तक पोस्ट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि घर में मशीन की आवाजें आती हैं, कभी कुछ साउंड आता है, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाई कोई, मतलब वॉइस ओवर नहीं कर पाई। वॉइस ओवर की जरूरत इसलिए क्योंकि हम लोग एक स्क्रिप्ट नहीं होती है हमारी, जैसे मैं अभी इस लाइन में नहीं हूँ, और जब मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो मेरी कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है कि तैयार कि मैं इस तरीके से एक वर्ड बोलूंगी दूसरा वर्ड ये आएगा, तो ऐसा नहीं होता है कि हम जो बोलते जा रहे हैं वो बोलते जा रहे हैं, हमारी रामकथा अलग ही रहती है वीडियो में, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है। तो मैं किसी दिन पोस्ट करूंगी, पहले वीडियो पोस्ट करूंगी फिर बाद में वो वाली करूंगी जब टाइम मिलेगा, क्योंकि मैंने फोटो भी पोस्ट की थी, उसमें आपने देखा होगा आई एम प्रेग्नेंट राइट नाउ एंड मेरा एक बेबी है। ऐसे इधर है ना, ऐसे हाय करो, हाय चलो बस ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये है और दूसरा बेबी आने वाला है कुछ टाइम बाद, कमिंग सून। सो प्रिपरेशन, तैयारियां चल जाती हैं, स्टार्ट हो जाती है कि कब क्या करना है। और बहुत से लोगों को इंटरेस्ट होता है दूसरों की लाइफ में घुसने का, मेरी लाइफ में भी बहुत लोगों को इंटरेस्ट है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये हम देखें ये हम जाने कि अरे भाई क्या चल रहा है। तो वो चीज़ें मेरी लाइफ में ऐसी हो गई हैं कि मतलब नहीं पता चला ना, तो इधर उधर से कहीं ना कहीं से वो बातें टोहनी होती हैं। तो मैंने इसलिए पहले इस चीज़ को पोस्ट कर दिया कि भाई लो, आप सबको भी पता होना चाहिए हर चीज़। तो बहुत लोगों की यही शिकायतें होती हैं, तो मुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं है वैसे भी, क्योंकि मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं होते जो लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। तो फाइनली इसे ओपन करते हैं। बहुत देर हो गई मुझे बोलते बोलते, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद कैमरे के सामने बैठी हूँ, तो सोचा अपने मन की भड़ास निकाल लूँ, जिन लोगों तक मेरी भड़ासें नहीं जा रही हैं। तो अब हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने का तरीका सीजर नहीं है इस टाइम, तो मैं ऐसे ऐसे ओपन कर देती हूँ, ठीक है, यहाँ से ओपन करेंगे हम। ओ मैं भी देखती हूँ क्या है इसमें क्या नहीं है, मुझे खुद नहीं पता इसमें क्या है। कलर तो सेम है, मैंने मंगाया था। मेरी पैकिंग ओपन कर ली है, ठीक है जी। तो अब हम इसको ओपन करते हैं। पहले मैं पैकिंग के साथ एक दो सीन ले दूँ, क्योंकि मुझे थंबनेल पे लगाना होगा।
ओके तो मैं ओपन करूँगी और अभी तो निकालते हैं। सीरियसली कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, टैग वगैरह टैग इसे मैं संभाल के रखूंगी अपने पास। आई लव दिस ड्रेस। फाइनली मैंने इसे ओपन करके देखा है, ये फुल गाउन है, फुल गाउन, ठीक है। मैं इसे पहन के पिक्चर्स पोस्ट करूंगी और साथ में मेकअप ट्यूटोरियल भी पोस्ट करूंगी, क्योंकि जब मैं मतलब इतनी अच्छी चीज़ हाथ पड़े और हम ट्राई ना करें तो। ऊपर से देखिए इसमें जिप, जिप की मैंने पहले बताई थी, स्टॉप में भी जिप है और इसमें भी जिप है। ये जिप यहाँ पे फ्रंट में, फ्रंट साइड ओपन है, देखिए दोनों तरफ, ठीक है। एक्स्ट्रा लार्ज है ये, डबल एक्सएल है शायद, हाँ डबल एक्सएल है, सॉरी। तो मुझे चाहिए था एक्स्ट्रा लार्ज, पर जब मैंने ये मतलब ऑर्डर किया उस टाइम पे वो सब चले गए थे, बिक चुके थे, यही लास्ट पीस बचा था और मुझे चाहिए था तो फिर मैंने इसको बाय कर लिया। और मैं आपको इसकी जिप दिखाती हूँ, बेस्ट फर्स्ट प्राइज, ये रही फ्रंट जिप ओपन, ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए। इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं होती कि ब्रेस्ट फीडिंग बात कर रहे हैं, बहुत से लोगों का दिमाग में ये आएगा कि इस बात को ओपनली कर रहे हैं, क्यों भाई ओपनली क्यों ना करें, कि कौन ऐसा बच्चा है जिसने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करी है, कोई बेचारा अनलकी ही होता है या फिर किसी की मम्मा किसी वजह से ही नहीं ब्रेस्ट फीडिंग करा पाती है, वरना हर एक बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है और इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं होती है, ठीक है। हम मम्मा हैं तो हमें हर हक है बोलने का, हर चीज का हक है, ठीक है। शर्म का होता है सिर्फ भरम, मेरी लाइन है शर्म से आएगा भ्रम, तो इस शर्म को उतार के फेंके और अपने काम पे ध्यान दें, फोकस करें, ठीक है। फ्रॉक वाली इसमें तनिया भी है, तनिया जो भी है, पर बहुत सुंदर है। मैं इसको हैंगर पे डाल के दिखाती हूँ, ठीक है, और फिर आप अपना एक्सपीरियंस, मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो है पर आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप फीडबैक दोगे ना तो मैं कमेंट में आएगा और कमेंट में आने के बाद मैं शेयर करूँगी firsttry.com के साथ, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे भी मैं इसकी पिक्चर पोस्ट कर दूंगी, जिससे कि जो भी मम्मा मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे हैं वो अपनी इतने अच्छे टाइम के लिए ना ऐसी कोई गाउन बाय कर सके और इंजॉय कर सके अपनी प्रेगनेंसी को। फर्स्ट प्रेगनेंसी में सच बताओ तो मुझे कुछ नहीं पता था, पर इस बार मैं सब जानती और मैं खुश भी हूँ, ठीक है। और पहले में भी खुश थी पर मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे, मेरी एज इतनी नहीं थी कि मैं इतनी समझदार हूँ, जो हो रहा था मुझे नहीं पता था क्या हो रहा था, बस लाइफ चल रही थी। पर अब मैं बड़ी हूँ, मैच्योर हूँ, 25 की मैं हो चुकी हूँ, 26 में चल रही हूँ, तो फिर तो इतना तो समझदारी होगी ना यार, इंजॉय तो करूँगी, अब नहीं इंजॉय करूँगी और कब कब करूँगी, सेकेंड बेबी है उसके बाद तो मतलब ही नहीं होता। तो बस अब मैं इसको मैं पहनूंगी इसको अपने बेबी के पेरेंट्स मीटिंग वाले दिन, और उस दिन ही मैं फ़ोटो पोस्ट करूँगी और अच्छी अच्छी फोटो क्लिक करा के आपको शेयर करूंगी, ओके। तो चलिए जी, पहले आप इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद टाटा बाय करते हैं, ओके। सो फाइनली मेरी ड्रेस ये है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लाजवाब। साइज मेरा नहीं है पर इट्स ओके, आई मैनेज, उनकी गलती नहीं है, मैंने ऑर्डर करने में लेट किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दिस इज आर टैग, पेंट की वजह से मेरे हाथों में वाइटनेस आ गई है, बट बहुत प्यारा है। जिप यहाँ पर है, मैंने जब भी फर्स्ट ट्राई से कोई चीज़ ऑर्डर की है ना, बेस्ट रिजल्ट आया, बेस्ट। मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं डिसअपॉइंट हुई हूँ।
तो आज की वीडियो कैसी लगी और मेरा गाउन कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में मुझे याद रखिएगा और आपकी दुआ की मुझे अब इस टाइम तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है। एक तो मोनेटाइजेशन हो चुका है चैनल का, उसके बाद थोड़ा सा मतलब वायरल वीडियो हो जाए और जो मेरा ये वाला टाइम चल रहा है ना ये भी आराम से बीत जाए और सब कुछ आपको जब मैं एक मेरी लाइफ में एक और मेंबर आएगा तो मैं आपको खुशखबरी दूंगी, ठीक है। तो चलिए जी, बाय, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में मुझे याद रखिएगा। बाय, टेक केयर।